देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। खिड़कियों के सामने खड़े होकर 5 मिनट तक रविवार को शाम को 5 बजे 5 मिनट तक ऐसे लोगों का आभार व्यक्त करें। और आभार कैसे व्यक्त करेंगे? ताली बजा करके, थाली बजा करके, घंटी बजा करके हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें, उनका हौसला बढ़ाएं, उनको सैल्यूट करें। पूरे देश के स्थानीय प्रशासन से भी मेरा आग्रह है कि 22 मार्च को 5 बजे सायरन की आवाज से इसकी सूचना लोगों तक पहुंचाए। रविवार को रात 9 बजे घर की सभी लाइटें बंद करके घर के दरवाजे पर या बालकनी में खड़े रहकर 9 मिनट के लिए मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाएं। मैं फिर कहूंगा, मोमबत्ती, दिया, टॉर्च या मोबाइल की फ्लैशलाइट।
इस धरती का रंग आज लाल है इसलिए नहीं कि आज अरबों लोगों का खून इस धरती पर फैला हुआ है, बल्कि इसलिए कि इस धरती ने उन जख्मों को कुरेद कुरेद कर अपना खून बहाया है जो जख्म हम इंसानों ने इसे दिए हैं। जब से इंसान धरती पर आया तब से इस धरती को उसने वो हर जख्म दिया जिससे आज इस धरती का गुस्सा लावा की तरह फूट रहा है। पानी खत्म होना, ग्लेशियर पिघलना, गंदगी, बीमारियां, जानवरों के साथ ऐसा बढ़ता। हम भूल गए कि जब धरती को दर्द होता है तो वो हमें कैसा दर्द देती है। ये तबाही एक तोहफा है जो हमें हमारी हैवानियत के बदले मिला है। ये कायनात खुद की कीमत वसूलना जानती है और ये कीमत हमें अपनी जान देकर चुकानी होगी। मेरा नाम वाशी है और मैं एक इंसान हूँ, और आज शायद इतने इंसान नहीं बचे जिनसे मैं ये मांग सकूँ कि अब जितना बचा है उसे वो उसी तरह दोबारा सजा सके जैसे धरती हमारी जिंदगी संवारती है। मगर फिर भी आज इस खाली और वीरान दुनिया में मैं आवाज उठाकर आने वाली नस्लों से ये मांगता हूँ कि कभी भी इस धरती को ऐसा घाव न दे कि ये धरती दर्द से इतना चीख दे कि दोबारा ये किसी को दर्द पहुंचाने का मौका ही ना दे। वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता दें, 2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन बढ़ा। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। जब जब ऐसे वायरस दुनिया को सताते हैं, अमीर देश के अमीर लोग सिर्फ इससे पैसे कमाते हैं। यहां मरने का डर कुछ ऐसा जहन में बैठा है और वहां कोई दवा के नाम पर जिंदगी की कीमत लगाकर बैठा है। जिंदगी के लिए खाना है, खाने के लिए जिंदगी नहीं। हमने जानवरों को कैदी बनाया, इंसान के लिए कोई पाबंदी नहीं। आराम की जिंदगी में एक बात हमेशा सताती है, दुनिया कैसे बना ली हमने जो दूसरों को मारकर जीना सिखाती है। देखो जरा, जहां आज मेरा घर बना है, अतीत सामने देखो, वो जानवरों का घर है, वो जंगल घना है। पेड़ काटकर चिड़ियों का घोंसला मिटा दिया, आज आराम से सोते हो, पेड़ का पलंग बना लिया। बचपन की माँ की सीख भी याद आती है, धरती को माँ तो चंदा को मामा बताती है। कहानी नहीं है ये, सच है। ये दुनिया हमारा परिवार है, लेकिन इंसान ही है सब कुछ, ये सोच बेकार है। पेड़ों की सांसों से हमारी जिंदगी, ऐसा साइंस बताती है। पेड़ ही हैं जो मरने के बाद उसकी लकड़ी शमशान ले जाती है। प्यार की बातें जितनी कर लो, बात अधूरी रह जाती है। गुलाब के फूल की खुशबू ही महबूब के चेहरे पर हंसी लाती है। जरा सोचो, ये कैसी जिंदगी चुन ली हमने, पेड़ पौधे जानवर सब मिटा दिए, इस धरती की उम्र लगी मरने। घमंड छोड़ो कि दुनिया हमारे लिए बनी है, ये धरती मांगेगी हिसाब, कुदरत ही इंसान की जननी है। आज परिवार के साथ हो तो मिलकर इस दुनिया को बचाओ, बहुत ले लिया, देना है अब कुछ, आओ कुदरत को बचाओ। कुदरत के कानून के पाबंद रहो, ये कैद भी अच्छी है, घर बंद हो कुछ दिन तो बंद रहो। हंसो खेलो अपनों के साथ, अच्छे करो ये हालात। आज घर के बाहर सरकार के पहरे हैं, आज भले ही कैद के दिन हैं, कल के दिन सुनहरे हैं। अपनी इंसानियत से कुदरत का गुस्सा तोड़ दो, इंसान का है हक कुदरत पर, ये नादानी छोड़ दो। वरना ये कुदरत अपनी बंदूक तानेगी, कुछ नहीं बचेगा, कीमत वसूल करके मानेगी। ये जानवर, पेड़ पौधे, पक्षी उस मालिक के प्यारे हैं, अगर उसने हमको पैदा किया तो ये भी उसके दुलारे हैं। समझ जाओ, क्योंकि ये रास्ता सीधा, बाकी सब टेढ़े हैं। हमारी औकात क्या, बिसात क्या, कुदरत की नजरों में हम सब कीड़े हैं। औकात अपनी जान कर, आज घर को कैद मान कर, आज मैं अपनों के साथ खुश हूं, मैं खुश हूं।